दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में टीम इंडिया की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन निचले क्रम के खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपना कमाल दिखाते हुए टीम इंडिया की जीत को सुनिश्चित किया। वैसे तो क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि मैच जीतने का श्रेय गेंदबाजों को कम ही मिलता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में खत्म हुआ पहला टेस्ट ही ले लीजिए, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, अश्विन धड़ाधड़ विकेट निकालते रहे, लेकिन शतकवीर अश्विन के साथ साथ इस जीत का सहरा शुभमन गिल और ऋषभ पंत के सिर भी बंध रहा है। इसलिए नहीं कि दोनों बल्लेबाज हैं और बल्लेबाज शॉट्स मारते वक्त बेहद स्टाइलिश भी लगते हैं, बल्कि इसलिए कि इन शतकों ने कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर समेत सिलेक्टर्स को भी हिम्मत बंधा दी। गिल और पंत ने दूसरी पारी में शानदार शतक जड़े। होम सीजन में यह भारत का पहला टेस्ट मैच था। कानपुर में दूसरे टेस्ट मैच के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी हो, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाकर टीम इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में धमाल मचाना है। अगर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतना है तो कई सवालों के जवाब तलाशने थे। टेस्ट मैच में पहली बार एक साथ बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत और सुमन गिल ने अंडर 19 लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दोनों ने अपनी शतकीय पारी से न सिर्फ भारत को मुश्किल से उबारा बल्कि खुद को भी साबित किया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत को लेकर कुछ चिंताएं थी जिनका समाधान होना बाकी था। ऐसा नहीं था कि टीम में दोनों की जगह पक्की नहीं है, लेकिन गिल को दिखाना था कि वह नंबर 3 के लिए परफेक्ट विकल्प है। तीसरे नंबर पर पिछले 2 परमानेंट बल्लेबाज राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा इतने मजबूत थे कि गिल को स्ट्रोक मेकिंग करते देख वक्त डर लगता था, लेकिन आजकल टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता है जहां टीमें ऐसे बल्लेबाजों को प्राथमिकता देती हैं जो ऐसे समय में शॉट खेले जब दुनिया भर में गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। दूसरे दिन रोहित को जल्दी खोने के बावजूद गिल ने पहले ही बांग्लादेश पर दबाव बना लिया था और तीसरे दिन भारत की स्थिति मजबूत कर दी। स्पिनरों के खिलाफ गिल अपने मजबूत डिफेंस के चलते ज्यादा प्रभावी दिखे। उनके 119 रनों में से 72 रन स्पिनरों के खिलाफ थे। दूसरी ओर ऋषभ पंत पूरी तरह से तेज तर्रार थे। मिडिल ऑर्डर में अपनी बाएं हाथ की बल्लेबाजी के साथ साथ पंत एक्स फैक्टर भी लेकर आते हैं। अपनी विस्फोटक क्षमता से भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। उनके पिछले 5 शतक तब आए जब भारत को उनकी सख्त जरूरत थी। यहां तक कि 90-99 के बीच उनके 6 में से 5 स्कोर टीम के लिए विनिंग रहे। गिल की तरह ऋषभ पंत के अधिकतर रन भी स्पिनर्स के ही खिलाफ आए। जब 634 दिन तक ऋषभ पंत टीम से बाहर थे तब भारत को टेस्ट मैच में उनकी कमी खली। इन 22 महीनों में टीम ने केएस भरत, ईशान किशन, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल सरीखे विकेट कीपर्स को भी आजमाए, लेकिन कोई भी उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाया। इस तरह से तय है कि टीम इंडिया जिन 2 सवालों का जवाब तलाश रही थी वह उसे लगभग मिल चुका है और अब आगे आने वाले समय में न सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी धमाल मचाने के लिए पूरे तरीके से टीम इंडिया में फिट हो चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी NBT स्पोर्ट्स के साथ।